वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 9.6 में 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट सॉल्व किए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 हमें समाकलन करना है ई पावर एक्स कोट एक्स प्लस लोग साइन एक्स का। हमें समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। हमें ये फलन दिया हुआ है, इस फलन का हमें समाकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है? एक्स के सापेक्ष करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू समाकलन। जिस फलन का समाकलन करना है उसको समाकलन के अंदर लिखेंगे। किसके सापेक्ष करना है वो डॉट में लिख देंगे। जैसे x के सापेक्ष करना है तो डॉट dx लिख दिया, इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर e पावर x ब्रैकेट से बाहर है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर कितने मान है? दो मान है, एक तो cot x है प्लस log sin x, दो मान है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, e पावर x को ब्रैकेट वाले मान से गुणा करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, I इक्वल टू समाकलन e पावर x इंटू कोट एक्स प्लस e पावर x log sin x और इस पूरे का समाकलन, इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में दो पार्ट है, एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। इस पार्ट का भी अगर समाकलन होगा तो खंडसर विधि द्वारा होगा, और इस पार्ट का अगर समाकलन है तो खंडसर विधि द्वारा होगा। इसका मतलब हम दोनों पार्टों को पृथक पृथक कर लेते हैं, इन दोनों पार्टों का अलग अलग समाकलन दर्शाते हैं। e पावर x cot x डॉट dx, e पावर x log sin x dx, इट्स ओके। आप इतना अच्छे से समझ गए स्टूडेंट्स। अब हमारे पास में इस पार्ट का भी खंडसर विधि द्वारा समाकलन होगा, इस पार्ट का भी खंडसर विधि द्वारा समाकलन होगा। लेकिन अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, e पावर अगर हम इसको आप ध्यान से सुनना, अगर हम इसको फर्स्ट मानते हैं तो इसको सेकंड मानते हैं, तो e पावर x तो ऐसा कैसा, और cot x का समाकलन क्या होगा, log sin x। बताइए log sin x इसमें आ रहा नहीं आ रहा, और e पावर x का अवकलन होता है फर्स्ट का अवकलन होता है तो e पावर x भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पार्ट को हम मान लेते हैं स्थिर, क्यों स्थिर इसलिए मान लेते हैं, जब हम इस पार्ट का खंडसर विधि द्वारा समाकलन करेंगे तो ये पार्ट हमारे पास में अपने आप आ जाएगा, इट्स ओके। हाँ, ये प्लस साइन में है तो इसका जब समाकलन करेंगे तो ऐसा ही पार्ट आएगा, वो माइनस साइन में आएगा, तो माइनस साइन से प्लस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इट्स ओके। हाँ, तो देखिए अब इस कंडीशन क्या करते हैं, इसको लेते हैं फर्स्ट, इसको लेते हैं सेकंड, क्यों, क्योंकि cot x का समाकलन क्या होता है, log sin x होता है, और log sin x यहां पर है या नहीं है, इसका मतलब हमें log sin x लेके आना है, इसलिए cot x को क्या माना पड़ेगा, सेकंड, क्योंकि सेकंड जिसको मानते हैं उसी का समाकलन होता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में यहां पर जो आई रेट हम लेते हैं वहां पर उसका थोड़ा सा अपवाद है, ये सुनो, अपवाद यही है कि अगर आई रेट के अकॉर्डिंग लेते हैं तो हम cot x को फर्स्ट लेते और e पावर x को सेकंड लेते, लेकिन अपवाद है, इसलिए क्या हुआ, e पावर x को फर्स्ट cot x को सेकंड। अब cot x को सेकंड क्यों ले रहे, आपको पता है यहां पर कि सेकंड का समाकलन होता है cot x का समाकलन होता है log sin x, और log sin x यहां पर विद्यमान है, इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, खंडसर विधि द्वारा समाकलन, खंडसर विधि द्वारा समाकलन, खंडसर विधि द्वारा समाकलन, देखिए खंडसर विधि द्वारा समाकलन स्टूडेंट्स, आई ऐसा कैसा। अब देखिए खंडसर विधि द्वारा समाकलन करते हैं e पावर x डॉट cot x डॉट dx है, आप समझिए अच्छे से। अब बताओ सूत्र आपके पास में क्या है, सूत्र है u डॉट v का समाकलन, u पहला ऐसा कैसा, v का समाकलन, माइनस समाकलन के अंदर u का अवकलन, v का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला है या नहीं है, तो देखिए ध्यान से, e पावर x ऐसा कैसा, सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन, और फर्स्ट क्या है e पावर x है, और इसी के गुणा में सेकंड का समाकलन, और ये हो गया आपका पूरे का समाकलन, इट्स ओके स्टूडेंट्स।
इस पार्ट का खंडशय विधि द्वारा समाकलन कर रहे हैं तो फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन के अंदर पहले का अवकलन, इसी के गुणा में सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का भी समाकलन, और प्लस आपने जिसको स्थिर माना है वो मान ऐसा का ऐसा ई पावर एक्स लॉग साइन एक्स डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे, आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था u डॉट v का समाकलन, u पहला फर्स्ट है v सेकंड है, तो क्या होगा u ऐसा कैसा v का समाकलन माइनस समाकलन, समाकलन के अंदर पहले का अवकलन फिर दूसरे का समाकलन, स्टूडेंट्स लास्ट में क्या होता है पूरे का समाकलन। इट्स ओके, ये आपके पास फॉर्मूला है ठीक है, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट खंडशय विधि द्वारा समाकलन। तो देखिए स्टूडेंट्स आई इक्वल टू ई पावर एक्स ऐसा कैसा, ई पावर एक्स ऐसा कैसा, बताइए कोटेक्स का समाकलन क्या होता है लॉग मोड साइन एक्स, लॉग साइन एक्स ठीक है। आप कहेंगे सर लॉग मोड साइन एक्स है, मोड लगाने का यहां पर कोई जरूरत नहीं है, ई पावर एक्स ऐसा कैसा कोटेक्स का समाकलन लॉग साइन एक्स हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स माइनस समाकलन समाकलन, e पावर x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है e पावर x होता है। अब इसके इनटू भी क्या है डॉट, देखिए इनटू आ गया डॉट आ गया, अब cotx का समाकलन क्या होता है log sin x होता है, log sin x इट्स ओके। देखिए स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनना, समाकलन के अंदर पहले का अवकलन हो गया, दूसरे का समाकलन हो गया, फिर इस पूरे का समाकलन करेंगे क्या आएगा डॉट dx, प्लस ये जो स्थिर मान था कौन सा ये रहा ये ऐसा का ऐसा, डॉट dx। स्टूडेंट्स आप इतना अच्छे से समझ गए, देखिए हमने इस पार्ट का खंडशय विधि द्वारा समाकलन किया तो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक मान आ गया, प्लस ये जो स्थिर मान था वो ऐसा का ऐसा। अब देखिए हमने इसको स्थिर क्यों माना, देखिए ये पार्ट यहां पर किसका है प्लस का है और ये पार्ट यहां पर किसका है माइनस का है, कैंसिल हुआ नहीं हुआ इट्स ओके। तो देन स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर कितना आ गया e पावर x log sin x प्लस c इट्स ओके। ये आपने आपने जो दिया आपके पास जो दिया गया फलन था आपने उसका समाकलन कर लिया x के सापेक्ष, और देखिए यहां पर समाकलन खत्म हो गया तो आपने क्या लगा दिया प्लस c लगा दिया। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया, और यहां पर आप लगा सकते हैं e जो इसका नेचुरल बेस है, नहीं लगाओगे तो भी यहां पर ई ही माना जाएगा इट्स ओके। स्टूडेंट्स आपके पास एक शॉर्ट तरीका और भी है, क्या है वो ध्यान से सुनिए, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहिए समाकलन ई पावर एक्स ब्रैकेट कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डॉट डी एक्स ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में 11 ये था, इसका शॉर्ट पार्ट भी कर रहे हैं, आपके पास एक गुणधर्म प्रॉपर्टी है उसके द्वारा। तो देखिए अगर समाकलन कर रहे हैं और उसमें ई पावर एक्स एक पद आपके पास में ई पावर एक्स है और ब्रैकेट में आपके पास में दो फलन है, वो दोनों फलन के बीच निशान माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, लेकिन उनमें कंडीशन है उन दोनों में से एक तो काम करेगा एफ एक्स का और एक पद काम करेगा उसके अवकलन का, मतलब एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स का कैसे। अब देखिए यहां पर ई पावर एक्स आ गया, अब बड़ा ध्यान से सुनना कंडीशन यहां पर ये है, फॉर्मूला यहां पर ये अप्लाई होता है ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स। अगर आपके पास में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कोई फलन आता है जिसका हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष, अब ध्यान से देखिए इस फलन को, ब्रैकेट से बाहर e पावर x है, ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, एक पद fx का काम कर रहा है, दूसरा पद इसके इसका अवकलन है, इस fx का अवकलन दूसरा पद है, बताओ f डैश x है या नहीं है, इसका मतलब एक पद fx होना चाहिए दूसरा पद f डैश x होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होता है इसका समाकलन क्या होगा e पावर x और वो एफ एक्स प्लस में सी। स्टूडेंट्स आप समझिए अगर आपके पास में ऐसा कोई फंक्शन है वो
उसका समाकलन क्या होगा, e पावर x, और जो दोनों फॉर्मों में जो एफ एक्स था वो एफ एक्स इससे गुणा हो जाएगा, प्लस में क्या लग जाएगा c। अब बात करते हैं इस फलन की, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां बताइए एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, इसमें एफ एक्स कौन है, इसका चूजा आपको करना है, एफ एक्स कौन है बताओ, इसका अवकलन ये है या फिर इसका अवकलन ये है। अब आप देखिए log sin x का अवकलन होता है cot x, क्योंकि log sin x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो एक बटा sin x, फिर sin x का करेंगे तो cos x, तो cos x बटे sin x होता है cot x। तो यहां पर एफ एक्स का काम तो कौन कर रहा है, log sin x कर रहा है, इट्स ओके। और एफ डैश एक्स का काम कौन कर रहा है, cot x कर रहा है। स्टूडेंट्स यहां पर फलन एफ एक्स का काम तो कर रहा है log sin x, और इसका अवकलन क्या होता है cot x, तो इसका अवकलन क्या होगा f' x, बताओ इसमें है या नहीं है, बारी की पावर x है, तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, सो i इक्वल टू e पावर x, और f(x) और f(x) का काम कौन कर रहा है, log sin x कर रहा है, प्लस c। ये आपने शॉर्ट तरीके से भी फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप ये भी कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं, इट्स ओके, प्लीज आप इसको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेट करना है, समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो सबसे पहले हमने फंक्शन को इस फॉर्म में लिख दिया, इस रूप में हमने इसको लिख दिया, इट्स ओके। I is equal to समाकलन 2x plus sin 2x, 2x plus sin 2x upon 1 plus cos 2x dot dx, इस दिए गए फलन का हमें x के सापेक्ष करना है समाकलन। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे पास जो फलन है वो अंश बटे हर के रूप में है, तो देखिए इसको हम लिखते हैं क्या, I equal to 2x ऐसा कैसा, sin 2x का आपके पास फॉर्मूला होता है 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x, it's okay, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x into cos x upon 1 plus cos 2x। स्टूडेंट्स आपको मैंने बहुत बार लिखवा दिया है कि 1 plus cos 2x, आपको मैंने ये प्रूव भी करवाया था, सिद्ध भी करवाया था कि 1 plus cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos square x, ठीक है, इसके इक्वल ये होता है। अब देखिए डॉट में क्या है, dx है, अब इसको कर लेते हैं सेपरेट, ये पार्ट एक बार इसके बटे में, ये भाग एक बार इसके बटे में आएगा, तो क्या होगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, चलो इसको कर लेते हैं प्लस 2 sin x cos x upon 2 cos square x dot dx, यहां पर 2 से 2 कैंसिल, यहां भी 2 से 2 कैंसिल, और इस पूरे का ये डॉट dx था, ठीक है, समाकलन था। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, यहां पर हो गया x cos square x, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec square x प्लस cos x से ये पावर कैंसिल, तो क्या बच गया sin x upon cos x, और sin x upon cos x क्या होता है tan x होता है, और इस पूरे का समाकलन किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष, इट्स ओके। स्टूडेंट्स इसका यहां तक सॉल्व आपको समझ में आ गया, अब देखिए इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, I equal to x sec square x dot dx plus students tan x dot dx, यहाँ पर दो पार्ट है, इन दोनों पार्टों का हम समाकलन अलग अलग करेंगे, इट्स ओके। अब देखो स्टूडेंट्स वही बात आ गई वापस, कौन सी बात, कि इसका अवकलन भी होता है, इसका समाकलन भी होता है, और दोनों का समाकलन भी होता है, दोनों का समाकलन भी होता है, और जब sec square x का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, tan x आएगा, आएगा नहीं आएगा, इस पार्ट को मान लेते हैं स्थिर, मतलब इसका हमें समाकलन नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, आपको मैंने बताया था कि जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये पार्ट अपने आप आएगा नहीं आएगा, आएगा। देखिए स्टूडेंट्स इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड, क्योंकि sec square x का समाकलन यहां पर tan x है, तो आयरन के अकॉर्डिंग त्रिकोणमितीय फलन क्या होगा, सेकंड होगा, और बीजगणितीय फलन फर्स्ट होगा, तो क्या करेंगे, खंडसा विधि द्वारा समाकलन, तो यहां कर लेते हैं विधि द्वारा समाकलन, खंडसर विधि द्वारा समाकलन,
स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, आई इक्वल टू, बताइए फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन के अंदर पहले का अवकलन, पहले का अवकलन और गुणा में दूसरे का समाकलन, फिर इस पूरे का भी समाकलन। स्टूडेंट्स इस पूरे का भी समाकलन समझ गया। फिर आगे कितना है, इसके आगे है प्लस tan x का समाकलन जिसको आपने स्थिर माना है, इट्स ओके, वो आपने इसके आगे लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स आई इक्वल एक्स ऐसा कैसा, बताइए sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, x के सापेक्ष tan x होता है, समझ गया ध्यान से। अब बताओ x का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष 1 होगा, इसकी गुणा में क्या है, sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x होता है, डॉट dx। अब tan x को 1 से गुणा करेंगे तो tan x ही तो आएगा, इसको हम क्या लिख देते हैं, tan x लिख देते हैं, क्या लिख दिया, इसको tan x लिख दिया, प्लस ये tan x ऐसा का ऐसा। अब देखिए ये पार्ट यहां पर माइनस का, ये पार्ट यहां पर प्लस का है, तो इस पार्ट से ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स कहने का मतलब क्या आ गया, इस दिए गए जो फलन था इसका x के सापेक्ष समाकलन क्या आ गया, h tan x + c। इस दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन क्या आ गया, h tan x + c। अगर आप इसको वही शॉर्ट तरीके से करना चाहें तो स्टूडेंट्स आप यहां पर देखिए, यहां देखते हैं, लेकिन शॉर्ट तरीके से करना चाहेंगे तो क्या देखना चाहिए, e पावर x होना जरूरी है और यहां पर e पावर x नहीं है, तो आप ऐसा ना कह दे कि सर ये शॉर्ट तरीके से हो सकता है क्या, क्योंकि यहां पर e पावर x नहीं है, इट्स ओके, प्लीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 i इज इक्वल टू समाकलन, इसके अंदर है e पावर x इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कोस x डॉट dx। स्टूडेंट्स हमें इस फलन का समाकलन करना है x के सापेक्ष। अब देखिए यहाँ पर e पावर x है तो हमारे मन में ख्याल आता है कि e पावर x के आगे जो ब्रैकेट है उसमें कितने पद होने चाहिए, दो पद होने चाहिए, एक पद एफ एक्स होना चाहिए, दूसरा पद एफ डैश एक्स होना चाहिए, तो इसका समाकलन आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, आई इक्वल टू समाकलन e पावर x ब्रैकेट 1 ऐसा कैसा। स्टूडेंट्स साइन x का मान क्या होता है, साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x by 2 into cos x by 2, 1 ऐसा कैसा माइनस ऐसा कैसा, साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x by 2 into cos x by 2 अपॉन 1 माइनस cos x। आपको मेरा बताया हुआ है कि 1 माइनस cos x होता है 2 साइन स्क्वायर x by 2 और डॉट में क्या है dx, मतलब पूरे का समाकलन, ठीक है। स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं इसको सही रूप में लिख लेते हैं, देखिए ध्यान से, वन टाइम ये जो मान है इस वन के बटे में लिखेंगे, क्या होगा 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस ये मान इसके बटे में, तो क्या आएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डॉट dx। आप इतना अच्छे से समझ गए, देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन एक्स बाई 2 से पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो यहां पर ओनली साइन एक्स बाई 2 रह जाएगा। तो देखिए इसका अगला स्टेप क्या होगा, e पावर x, स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना 1 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जब अंश में जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, 1 अपॉन साइन एक्स होता है कोसेक एक्स, तो यहाँ पर एक्स बाई 2 है तो यहाँ भी एक्स बाई 2 हो गया, माइनस माइनस। अब देखिए ध्यान से, आपके पास अंश में क्या है कोस एक्स बाई 2 और हर में क्या है साइन एक्स बाई 2, तो कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 हम इसको लिख सकते हैं कोट एक्स बाई 2, कोट एक्स बाई 2 पूरे का समाकलन। स्टूडेंट्स वही तरीका बन गया, बाहरी की पावर एक्स है अंदर दो फलन है, ठीक है, हम इसको दोनों तरीके से करते हैं। तो पहला तरीका इसको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से करते हैं, क्योंकि अगर इक्वेशन आपके पास 6 मार्क्स का आता है तो आप इसको शॉर्ट तरीके से नहीं कर सकते, आपको पूरे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो जो शॉर्ट तरीका है आप कंपटीशन एग्जाम में उसको अप्लाई कर सकते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर e पावर x को पहले हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, तो क्या होगा, i इक्वल टू 1/2 हमने आगे ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा e पावर x cosec स्क्वायर x बाई टू माइनस इस e पावर x को अंदर गुणा करेंगे क्या आएगा e पावर x cosec बाई टू cot x बाई टू और इस पूरे का समाकलन। अब तरीका वही है कि हम इन दोनों पार्टों को अलग अलग कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होगा i इज इक्वल टू 1/2 मैंने यहां पर बाहर ले लिया, ठीक है, e पावर x cosec स्क्वायर x बाई टू, स्टूडेंट्स आप समझे अच्छे से, डॉट में dx, ठीक है, माइनस e पावर cot x बाई टू डॉट dx। यहां तक आप किसी को प्रॉब्लम, अब देखिए वही तरीका है, यहां पर इसका समाकलन भी होता है इसका समाकलन भी होता है, इसका समाकलन क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है स्टूडेंट्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस कोट एक्स, यहां पर कोट है नहीं है और यहां पर एक्स का काम कर रहा है एक्स बाई टू, यहां पर एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स बाई टू कर रहा है, इसका मतलब हम इस पार्ट को मान लेते हैं स्थिर, इसको क्या मान लेते हैं स्थिर मान लेते हैं, समझ गया आप, इतना एक बार अच्छे से राइट कर लीजिए फिर इसका आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट हम यहां पर सोल्व करते हैं, देखिए इसको मानते हैं फर्स्ट और इसको मानते हैं सेकंड। अब आप कहेंगे सर यहां पर वापस जो आईलेट जो फॉर्मूला था उसका यहां पर अपवाद आ रहा है, अपवाद इसलिए आ रहा है ना क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू का समाकलन यहां पर कोट एक्स बाई टू है और सेकंड फलन का हम समाकलन ही करते हैं खंड समय, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इसको मान लेते हैं सेकंड। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से खंड समय विधि द्वारा समाकलन करने पर, तो देखिए आई इक्वल टू 1/2 जैसा कैसा, जब इसका समाकलन कर रहे हैं तो 1/2 इस पूरे मान से गुणा है तो हमने ब्रैकेट लगा लिया। अब देखिए फर्स्ट फलन ऐसा कैसा, फर्स्ट फलन ऐसा का ऐसा, अब बेटा सेकंड का क्या होता है समाकलन होता है, तो समाकलन इसका डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा, जरूरी थोड़ा है कि हर जगह पूरा फॉर्मूला यूज पूरा फॉर्मूला यहां पर राइट करें लिखें, अब इसका डायरेक्ट समाकलन भी कर सकते हैं। तो बताओ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू का समाकलन क्या होगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखना, इनटू फर्स्ट ऐसा कैसा होता है इसके गुणा में सेकंड का समाकलन होता है, तो समाकलन कर दीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, तो मान लेते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स है, ये क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कोट एक्स, तो देखिए माइनस कोट एक्स और एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स बाई टू कर रहा है, ओके इतना क्लियर। अब देखिए यहां पर एक्स का गुणांक कितना है 1/2, इस एक्स के गुणा में 1/2 1/2 है और समाकलन में जो गुणांक होता है वो कहा जाता है बट्टे में जाता है, तो इसके बट्टे में कितना आ गया 1/2 आ गया। स्टूडेंट्स प्रथम फलन ऐसा कैसा, द्वितीय का समाकलन इसका समाकलन हमारे पास में ये हो गया, अब माइनस इसके समाकलन और इसके अंदर पहले का अवकलन e पावर x का अवकलन क्या होता है e पावर x होता है, पहले का अवकलन तो e पावर x का अवकलन e पावर x, दूसरे का समाकलन और इसका समाकलन वापस होगा तो वो आपके पास ये रहा, तो क्या है बताओ माइनस कोट x बाई टू अपॉन 1/2 माइनस समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर इन दोनों के गुणनफल का भी समाकलन, समझ गया आप इतना, फिर बचा हुआ पद कौन सा है माइनस e पावर x cot x बाई टू। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना अच्छे से समझना, ठीक है, ये लो यहां से यहां तक और ये पूरा मान गुणा किससे स्टूडेंट्स, ये पूरा मान गुणा 2 से हो रहा है, तो यहां पर हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, कारण क्यों लगाया क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है वो किससे गुणा है 1/2 से गुणा है, इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से यहां से करते हैं इसको, आई इक्वल टू 1/2 ऐसा कैसा ई पावर एक्स, अब देखिए ये दोनों पद गुणा में है, 2 का आएगा ऊपर आ जाएगा और माइनस आ गया आएगा, तो क्या आएगा माइनस 2 ई पावर एक्स कोट एक्स बाई टू, समझ गए इतना बेटा, इसका इसका सोल्यूशन यही तो होगा, ऐसे ही माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये 2 ऊपर आएगा तो 2 को हमने बाहर ले लेते हैं 2 और क्या बताऊं
ई पावर एक्स समाकलन तो ही समाकलन ई पावर एक्स कोट एक्स बाई टू डॉट डी एक्स और ब्रैकेट बंद कर दिए। क्यों? इस पूरे मान से वन बाई टू क्या गुणा है और ये जो बचा हुआ पद जो स्थिर पद था वो ऐसा का ऐसा। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है। अब देखिए क्या करते हैं, इस वन बाई टू को अंदर गुणा करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जब ये वन बाई टू इससे गुणा होगा तो ये टू से टू कैंसिल, तो क्या आएगा माइनस ई पावर एक्स कोट एक्स बाई टू। ये जब वन बाई टू जब इससे गुणा होगा क्या आएगा, टू से टू कैंसिल होगा तो समाकलन आएगा और समाकलन किसका आएगा ई पावर एक्स कोट एक्स बाई टू डॉट डी एक्स। माइनस में क्या आपके पास, माइनस में आपके पास है ई पावर एक्स कोट एक्स बाई टू डॉट डी एक्स, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये प्लस साइन और ये माइनस साइन है दोनों सेम है फलन, तो इस मान से मान क्या हो गया कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स आपने फाइनल आंसर क्या निकाल लिया, ई पावर एक्स कोट एक्स बाई टू और प्लस में सी, ये आपने निकाल लिया दिए गए जो आपके पास जो दिया गया फलन था उसका x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है, इसको राइट कर लीजिए। ये लीजिए इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन, ठीक है। अगर आप यहां पर सोचिए, देखो अगर आपको सोल्व तरीके से करेंगे आप तो आपको यहां तक तो करना ही होगा, इसको सोल्व तो यहां तक करना ही होगा। यहां पर एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, उसका चयन करना है। e पावर x आ गया तो अंदर दो फलन है, तो एक तो एफ एक्स है एक एफ डैश एक्स है। तो देखिए कोट एक्स का अवकलन होता है, कोट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोट एक्स ये रहा, इसका अवकलन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स के रूप में है नहीं है, तो मतलब ये तो एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। जब ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है तो इसका आंसर क्या होगा e पावर x डॉट एफ एक्स, तो e पावर x डॉट एफ एक्स, एफ एक्स का मान ये है तो ये माइनस आगे लगा दिए, ये लो सुन में आ गया आपको, इसको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, आई इज इक्वल टू समाकलन ई पावर एक्स इन ब्रैकेट लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, हमें इस फलन का एक्स के सापेक्ष करना है समाकलन, ठीक है। स्टूडेंट्स अब आप ध्यान से देखिए, हमें इस फलन का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है, इट्स ओके। अब देखिए बाहर ई की पावर एक्स है, अंदर दो फलन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस ई पावर एक्स को ब्रैकेट से ब्रैकेट वाले मान से गुणा करते हैं। तो देखिए I इक्वल टू e पावर x इन टू लॉग एक्स प्लस e पावर x इन टू वन बाई एक्स स्क्वायर और इस पूरे का समाकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, इट्स ओके। अब देखिए यहां पर दो पार्ट है तो दोनों पार्टों का हमें समाकलन करना होगा खंडसेट विधि द्वारा। तो इन पार्टों को हम करते हैं पृथक पृथक, अलग अलग करते हैं, सेपरेबल करते हैं, e पावर एक्स डॉट लॉग एक्स डॉट डी एक्स, ऐसे ही e पावर एक्स डॉट वन बाई एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब देखिए आप ध्यान से स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, यहां पर इस e पावर एक्स का समाकलन भी होता है अवकलन भी होता है लेकिन लॉग एक्स का समाकलन नहीं हो सकता। इस कंडीशन जब इसका समाकलन नहीं, जब एक पार्ट का अवकलन है एक पार्ट का समाकलन है, इस कंडीशन में हम आईलेट को यूज करते हैं। जब दोनों पार्टों का समाकलन भी है दोनों पार्टों का अवकलन भी है तो वहां पर आईलेट का थोड़ा सा अपवाद हो जाता है, इट्स ओके। अब देखिए ध्यान से, आईलेट के अकॉर्डिंग हमने इसको फर्स्ट माना, इसको माना सेकेंड, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स और इसको मान लेते हैं स्थिर, हमारे इसको स्थिर मान लिया तो क्या लिखेंगे, खंडसेय विधि द्वारा समाकलन, खंडसेय विधि द्वारा समाकलन। तो देखिए स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनना, आई इक्वल टू फर्स्ट ऐसा कैसा, फर्स्ट कौन है लॉग एक्स है, लॉग एक्स ऐसा का ऐसा, सेकंड का समाकलन आप चाहे तो इसका समाकलन डायरेक्ट कर सकते हैं ई पावर एक्स होगा माइनस समाकलन। इसके अंदर दो प्रक्रियाएं होती हैं, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। तो देखिए स्टूडेंट्स पहले का अवकलन dy dx ऑफ log x, dy dx ऑफ log x पहले का अवकलन,
इसके गुणांक में दूसरे का समाकलन, फिर इस पूरे पार्ट का भी समाकलन, ये जो दो प्रक्रिया है इनके गुणनफल का भी समाकलन, फिर जो स्थिर पार्ट है वो ऐसा का ऐसा, कौन सा स्थिर पार्ट है, e पावर x इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए अच्छे से, इसको थोड़ा सा सही राइट कर देते हैं, सही लिख देते हैं e पावर x डॉट, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू log x, e पावर x का समाकलन e पावर x होता है, आपका आपको मैंने स्टैंडर्ड मानक सूत्र लिखवाया था, e पावर x का समाकलन e पावर x होता है। अब देखिए log x का अवकलन क्या होगा, एक बटा एक्स, समझ गए, इनटू में e पावर x का समाकलन e पावर x डॉट इस पूरे का समाकलन, log x का अवकलन एक बटा एक्स हो गया, e पावर x का समाकलन e पावर x हो गया, और इस पूरे का भी क्या हो गया, समाकलन हो गया, प्लस e पावर x डॉट वन अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे सर इस मान से ये मान सर कैंसिल तो नहीं हुआ, बेटा बिल्कुल नहीं हुआ, क्यों, यहाँ पर 1 बाई एक्स और यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ भी 1 बाई एक्स स्क्वायर होता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा, इस कंडीशन में क्या होगा, इसका दोबारा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट खंड से विधि द्वारा समाकलन, तो क्या होगा वही तरीका है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसका दोबारा खंड से विधि द्वारा समाकलन होगा, तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे पुनः खंड से विधि द्वारा समाकलन करने पर, विधि द्वारा समापन पुनः खंड से विधि द्वारा समापन, तो देखिए फ्रेंड्स अब ध्यान से यहां करते हैं इसका, आई इक्वल टू ये मान ऐसा कैसा, इसको सही लिख देते हैं ई पावर एक्स लोग एक्स, ई पावर एक्स लोग एक्स, इसको मैं सही लिख दिया। अब देखिए माइनस माइनस माइनस, अब इसका इंटीग्रेट बाय पार्ट होगा, खंड से विधि द्वारा इसका समाकलन होगा, माइनस लगा हुआ है इसलिए मैंने लगा दिया पर बड़ा ब्रैकेट। अब वही तरीका, फर्स्ट ऐसा कैसा, फर्स्ट कौन है, ई वन बाई एक्स है, फर्स्ट कौन है, वन बाई एक्स है, और यू डॉट वी में क्या होता है, फर्स्ट फलन ऐसा कैसा, सेकंड का समाकलन, तो फर्स्ट तो ऐसा कैसा, सेकंड का समाकलन, सेकंड कौन है, ई पावर एक्स है, और ई पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ई पावर एक्स होता है, e पावर x का समाकलन भी e पावर x होता है, ठीक है। तो प्रथम ऐसा कैसा, सेकंड का समाकलन हो गया है, माइनस सूत्र के अनुसार माइनस आता है, फिर समाकलन का चिन्ह लगता है, उसके अंदर दो प्रक्रियाएं होती हैं, पहले का अवकलन, पहला कितना है 1 / x है, और 1 / x का अवकलन आप जानते हैं, 1 / x का अवकलन होता है माइनस 1 / x स्क्वायर। स्टूडेंट्स 1 / x का अवकलन होता है माइनस 1 / x स्क्वायर, दूसरे का समाकलन इसके गुणा में, तो e पावर x का समाकलन e पावर x होगा, फिर इन दोनों के गुणनफल का समाकलन क्या लगा दिया, dx लगा दिया, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। मतलब माइनस ये माइनस का, इसका खंडसह विधि द्वारा समाकलन हमने ये कर दिया, और प्लस जो स्थिर मान हो ऐसा कैसा, तो यहां पर हमने प्लस लगा दिया, और स्थिर मान क्या है, e पावर x इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका अगला स्टेप, आई इक्वल टू ई पावर एक्स लॉग एक्स, अब ध्यान से देखना ये माइनस अंदर गुणा होगा तो क्या होगा, वन बाई एक्स डॉट ई पावर एक्स। अब देखिए ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया बेटा, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर ये प्लस होने के बाद गुणा किससे होगा, इस माइनस से, तो क्या होगा माइनस आएगा, फिर ये समाकलन समाकलन e पावर x को हमने पहले लिख दिया, इनटू में क्या 1 / x स्क्वायर डॉट dx, ठीक है। फिर प्लस में ये प्लस, फिर ये पद ऐसा कैसा, बोलो क्या, e पावर x डॉट 1 / x स्क्वायर डॉट dx, समझ गया। अब देखिए यहां पर ये पद माइनस का, ये पद प्लस का है, तो इस मान से मान क्या हो गया, कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, यहां पर माइनस समाकलन e पावर x डॉट 1 / x स्क्वायर से ये मान क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्यों, ये मान प्लस में, ये मान किस में, माइनस में, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है जब मान समान होता है, इट्स ओके। तो इसका अगला स्टेप क्या आएगा, i इक्वल टू e पावर x लॉग x माइनस 1 / x
ई पावर एक्स प्लस में सी, यह आपने प्राप्त कर लिया दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, यहां पर क्या है प्लस सी आपने यहां लगा दिया, इट्स ओके। अब देखिए यहां पर इस आप इसका आंसर यहां तक भी कर सकते हैं, और इसमें से कॉमन क्या रहा है, ई पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू, आपने यहां इस पार्ट में से आपने ई पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा लॉग एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस में सी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने प्राप्त कर लिया दिए गए फलन का समाकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया अच्छे से, ये हो गया आपका सवाल। ठीक है, इसको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 आपको इस दिए गए फलन का समाकलन करना है x के सापेक्ष। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, देखने से लग रहा है कि फलन बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, और ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस e पावर x को ब्रैकेट वाले मान से गुणा करते हैं, तो क्या आएगा e पावर x, इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट log sec x प्लस tan x, इट्स ओके। और इसको हम अलग कर लेते हैं डॉट dx, स्टूडेंट्स हम इसका पार्ट अलग कर रहे हैं, हो गया। तो इस e पावर x को इससे गुणा करेंगे ये आएगा, और इसका समाकलन हमने अलग से कर दिया, क्यों, ये जो dx वो इस पार्ट के साथ भी और इस पार्ट के साथ भी है, और ये दोनों पार्ट गुणा किससे है e पावर x से, तो ऐसा कर सकते हैं प्लस समाकलन क्या आएगा e पावर x डॉट sec x डॉट dx, समझ गए कितना अच्छे से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां इस पार्ट का भी खंड से विधि द्वारा समाकलन होगा, और इस पार्ट का भी खंड से विधि द्वारा समाकलन होगा। ठीक है, अब बात यह आती है कि यहां पर ये जो log sec x plus tan x है, क्या इसका अवकलन, क्या इसका अवकलन इसमें विद्यमान है। देखिए e पावर x का समाकलन e पावर x है, इसका अवकलन ये है क्या, अगर इसका अवकलन अगर ये है स्टूडेंट्स, इट मीन्स इसको हम स्थिर मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए log sec x plus tan x का अगर हम अवकलन करते हैं, तो स्टूडेंट्स हम यहीं पर कर लेते हैं इसका, सुनो dy/dx हम अलग से निकाल सकते हैं इसका, क्योंकि लंबा पार्ट है, अगर इसी को क्वेश्चन में कहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए log sec x plus tan x, इसका हम अवकलन कर रहे हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, log देखो इसका अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो log के साथ जो भी पद होता है वो 1 टाइम 1 के बटे में जाता है, तो क्या होगा 1 बटा sec x plus tan x, इतना समझ गए अच्छे से बेटा। इसका अवकलन करेंगे तो ये जो मान है वो एक बार एक के बटे में जाएगा, फिर इस पद का अवकलन होगा, तो इस पद का अवकलन दोबारा करेंगे तो sec x का अवकलन तो क्या होगा sec x into tan x, होता नहीं होता, sec x का अवकलन क्या होगा sec x into tan x plus plus tan x का अवकलन क्या होगा स्टूडेंट्स sec square x, और ये आपने ब्रैकेट बंद कर दिया, तो इस पूरे फलन का अवकलन ये हो गया। तो अब आप मेरे को ये बताइए स्टूडेंट्स sec x प्लस tan x ये तो क्या है, हर में है, अब बताओ अंश में कॉमन क्या रहा है, इसमें से sec x कॉमन आ रहा है, जब इसमें से sec x कॉमन आ रहा है तो क्या बच गया अंदर tan x प्लस sec x, और इस मान से ये मान क्या हो गया कैंसिल हो गया, tan x प्लस sec x या sec x प्लस tan x एक ही बात है, तो स्टूडेंट्स इसका अवकलन क्या आ गया, इस पार्ट का अवकलन आ गया sec x, और बताओ यहां पर sec x है या नहीं है ना, इसका मतलब इस भाग को हम मान लेंगे स्थिर, और इसका कर देंगे खंड से विधि द्वारा समाकलन। तो आपको ये स्टेप, ये स्टेप इसमें आप दिखा सकते हैं, तो इसको मान लेते हैं स्थिर, इसको मान लेते हैं स्थिर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहीं पर करते हैं खंड से विधि द्वारा, खंड से विधि द्वारा समाकलन। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख लेना आई इक्वल टू, अब बताओ ये तो होगा फर्स्ट, ये पूरा पार्ट तो क्या है फर्स्ट, और ये पार्ट क्या है सेकंड, तो खंड से विधि द्वारा क्या होता है फर्स्ट पार्ट ऐसा कैसा log, स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख लेना log ब्रैकेट sec x प्लस tan x ऐसा कैसा, प्रथम फलन ऐसा कैसा, सेकंड का समाकलन, सेकंड कौन है e पावर x है,
और e पावर x का समाकलन क्या होता है स्टूडेंट्स, e पावर x ही होता है, e पावर x का समाकलन e पावर x डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं आप, कि लंबी प्रोसेस हो रही है, प्रथम फलन ऐसा कैसा, सेकंड का समाकलन e पावर x होता है, e पावर x का माइनस समाकलन, इसके अंदर क्या होगा पहले का अवकलन, तो पहला कौन है, पहला पद ये तो है और इसका अवकलन आपने कर लिया कितना sec x आया, तो पहले का अवकलन क्या हो गया sec x, समझ गया, गुणा में दूसरे का समाकलन, दूसरा पद ये है, इसका समाकलन क्या होगा e पावर x होगा, स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया इतना, फिर इन दोनों के गुणनफल का समाकलन, पूरे का समाकलन, फिर स्थिर पद क्या था, स्थिर मान ये था ऐसा कैसा e पावर x sec x डॉट tan x, अब देखिए sec x डॉट e पावर x या e पावर x डॉट sec x की बात है, एक प्लस का एक माइनस का, इस मान से मान क्या हो गया कैंसिल हो गया, स्टूडेंट्स आपको यहां तक समझ में आ गया, यहां मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप कर दिया, ठीक है हाँ। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका लास्ट आंसर कितना होगा, आई इक्वल टू ई पावर एक्स को हम पहले लिख लेते हैं, ई पावर एक्स डॉट लॉन्ग सेट एक्स प्लस टेन एक्स और ये प्लस सी, ये आपने प्राप्त कर लिया दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष समाकलन, स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से करते तो क्या होता, देखिए ध्यान से यहीं से करते आप, देखो आप मुझे बात बताइए, एक तो ये पद और एक ये पद है और बाहर e की पावर x है, जब बाहर e की पावर x है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, शॉर्ट ट्रिक का या शॉर्ट मेथड मान लीजिए, e पावर x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैस एक्स, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसका आंसर आता है e पावर एफ एक्स प्लस में सी, ये इसका आंसर आता है, ठीक है। अब देखिए बाहर e पावर x है, ठीक है, अंदर दो पद है एफ एक्स और एफ डैस एक्स, यहां भी दो पद है, अब यहां पर कौन एफ एक्स है कौन एफ डैस एक्स है, तो देखो अगर ये एफ एक्स है तो इसका अवकलन एफ डैस एक्स होता है, तो ये काम किसका कर रहा है, एफ डैस एक्स का कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा, इस पद का अवकलन यही तो है, तो ये एफ एक्स का काम कर रहा है, ये एफ डैस एक्स का काम कर रहा है, इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, इस सूत्र के अकॉर्डिंग ई पावर एक्स डॉट एफ एक्स, एफ एक्स मतलब ये पद इसकी गुणा में है और प्लस में सी, और यही उत्तर आ गया, इसको राइट कर लीजिए आप।